यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड। तो वो क्या है खुशखबरी और आप इसे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, ये सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए जिससे कि जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओ टू रीच। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे कि इसी तरह के आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि वो क्या है खुशखबरी और उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन, वो आपका दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो आप डायरेक्टली किसान स्वयं से कर सकता है या किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा कर के करवा सकता है, और दूसरा है कि सीएससी यूजर जो हैं वो किसी भी फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक तो डायरेक्टली साइट पर जाकर के, ये आप सीएससी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन से जब भी आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। यदि किया है तो उसका क्या स्टेटस है, पेंडिंग है, रिजेक्ट है या आगे क्या होने वाला है। तो ये सब डिटेल आपको चेक करने के लिए एक नया लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के आप बहुत ही आसानी से उसको चेक कर सकते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन की स्टेटस क्या चल रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टेटस की चेक करने की। तो दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए हमें जो पुराना लिंक दिया गया था यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया है, सॉरी एक आधार नंबर एंटर किया है, इस आधार नंबर को हम एंटर करते हैं और गेट डाटा पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे पास इधर डिटेल आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल आर रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल। यहाँ पर या तो आपकी जो जानकारी है वो पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है या तो आपकी जानकारी, दी गई जानकारी गलत है, तो ये इरर यहाँ पर शो कर रहा है। और ये आधार नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें आप देख लीजिएगा लास्ट में 9052 है, ओके। इस आधार नंबर को कॉपी कर लिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं इसका डिटेल आपको चेक करके दिखाऊँगा, इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर शो करेगा कि क्या इसका स्टेटस चल रहा है। इसके लिए चलते हैं होम वेबसाइट pmkisan.gov.in पर, ओके। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली आना है उसी फार्मर कॉर्नर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमारे पास कुछ ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि पहले एक ऑप्शन था न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद में नया ऑप्शन एडिट आधार फिलर डिटेल बेनिफिशरी स्टेटस। ये तीन हमारे पास जो ऑप्शन हैं ये शुरुआत में दिए गए, उसके बाद में एक ये ऑप्शन बढ़ा दिया गया बेनिफिशरी लिस्ट का, और अब ये पांचवा एक ऑप्शन इसमें नया जोड़ दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड या सीएससी फार्मर। मतलब उस फार्मर का आपको यहां से चेक कर सकते हैं जिसने या तो स्वयं से किया है या किसी सीएससी के थ्रू किया है। तो हमें सिंपली इसी लिंक पर कर देना है क्लिक। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है, देखेंगे आप इंटर आधार नंबर स्टेटस यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है तो वही आधार नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, चलिए 3887 3553, ओके 3553902, ओके। आप एक बार देख लीजिएगा 9052 यही रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको एंटर करने के बाद आपको सिंपली कैप्चा कोड जो भी है उसको फिल कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है सर्च पर, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दिया तो ये इनका स्टेटस आ चुका है। स्टेटस में क्या रहा है कि देखिए इस आधार नंबर से कितने फार्मर रजिस्टर्ड हैं, सीरियल नंबर यहाँ पर एक, फार्मर का नेम आ गया, ओके। तो फार्मर का नाम क्या है ये भी देख सकते हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है तो ये पिताजी का नाम यहाँ पर आ गया, आधार नंबर जो इन्होंने दिया था वो आधार नंबर ये हो गया। उसके बाद में इन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर को भी आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हैं कि क्या मोबाइल नंबर है। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर जो इन्होंने दिया है वो आपका बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आपके बैंक के आईएफएससी कोड की, जो कि आपने देखा होगा स्टेटस आप चेक करते हैं पहला जैसा था वहाँ पर भी आपको आईएफएससी कोड और बैंक की पूरी डिटेल दी जाती थी। आपका स्टेटस कौन सा है वो स्टेट भी यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, राज्य कौन सा है वो राज्य आ जाएगा। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट जिला, तो जिला यहाँ पर आ जाएगा। आपका सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील आपकी कौन सी वो तहसील आ जाएगी। ब्लॉक कौन सा है, विकास खंड, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपके विलेज का नाम आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन किस डेट को हुआ है, ये प्रूफ आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि क्या ये रजिस्ट्रेशन वही है जो आपने दिया, आपने किया था वही है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं 20/11/2019 को रजिस्ट्रेशन हुआ है। और रिमार्क मतलब यहाँ पर इसकी स्टेटस का क्या है, तो स्टेटस इसका ये है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।
मतलब ये जो फॉर्म आपने फिल किया है इसका अप्रूवल भी बाकी है, या तो ये राज्य स्तरीय पर है या फिर ये जिला स्तरीय, मतलब जो जिला पर कमेटी बैठती है पीएम किसान सम्मान निधि की उसके पास अभी ये पेंडिंग में है, या तो ये राज्य स्तरीय पर है। तो यहाँ से जैसे ही ये पास हो जाएगा उसके बाद में केंद्र सरकार के पास ये चला जाएगा और वहाँ पर ये सीधा एप्लीकेशन आपका भेज देंगे कि हाँ ये सब डिटेल जो भी है ये मैंने वेरीफाई कर ली है, सही है, और इसके बाद आप इनका पेमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसमें आपके कस्टमर भी काफ़ी परेशान होंगे कि भाई क्या हुआ उसका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं ये वीडियो तुरंत बना रहा हूँ। हालांकि आज 3 दिन हो चुके हैं लिंक को ओपन किए हुए, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो नहीं इसका आया है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको फटाफट से ये जानकारी दे देते हैं। यदि आपको लग रहा है कि इस वीडियो से या इस चैनल की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर जानकारी थोड़ी और दे देना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह से इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद यदि आप रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सभी वीडियोस के लिंक दे दिए हैं जो इससे पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लिस्ट कैसे निकालनी है, आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, फॉर्म में कोई गलती हो गई है जैसे कि आपका आधार कार्ड नाम जो है वो करेक्शन होना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं। बाकी कुछ वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर देखे हैं, उनमें बताया गया है कि आप आधार नंबर के अतिरिक्त भी उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, तो ये सब फेक हैं। बाकी आप कुछ उसमें इरर जो भी है आपका, जैसे अकाउंट नंबर गलत है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना तो उसको आप सही कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कोई भी प्रोसीजर अभी नहीं आया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड कि आपने इतना समय निकाला हमारे वीडियो देखने के लिए, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।